चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 12 की मॉडलर शीट में वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, यह शीट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बैठाते कैसे हैं। ठीक है, ये मैंने डिमर लिया है, डिमर बिठा रहा हूँ। इससे इसको प्रेस करना चाहिए, अच्छे से प्रेस करना चाहिए जब बैठ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा बिठा कर दिखाता हूँ कि ऊपर के जितने हैं वो बिठा कर दिखाता हूँ कि कैसे बिठाना चाहिए। ठीक है, ये बटन अच्छे से प्रेस करके बिठाना चाहिए वरना टूट जाएगा। ठीक है, आराम से करें। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर के बिठा दिया, फिर इसको आपको बताऊंगा कि इसके अंदर वायरिंग कैसे करते हैं और कितने बटन यूज़ में ले सकते हैं, डमी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 बटन यूज़ में ले रहा हूँ। ठीक है, और बाकी के डमी लगा रहा हूँ, उसकी वायरिंग करने का भी आपको दिखाऊँगा। ठीक है, ये 2 बटन 4 बटन मैं यूज़ में ले रहा हूँ, फ़ैन यूज़ में ले रहा हूँ, सॉकेट यूज़ में ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें वायरिंग करने का आपको दिखाऊँगा। वायर लें, इसको थोड़ा सा कट कर लें, इसको छील लें अच्छे से। ठीक है, अच्छे से छीलने के बाद अच्छे से फोल्ड करें उसको, एकदम आराम से हाथ में चिप जाएगा। एकदम आराम से इसको फोल्ड करें अच्छे से, फिर इसको कट कर लें। कट करने के बाद यहाँ पर जो बटन है ना, बटन के जो नीचे वाले स्क्रू आते हैं वहाँ पर इसको लगा दें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लगाना है। ये देखिए, आराम से उसको डाल के जिसे अंदर ये करें, और टाइट अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो फिर लाइन लाइट बंद चालू हो जाएगी। ये देखिए, इसको अच्छे से टाइट करें। ठीक है, उधर का भी अच्छे से टाइट कर लें। ठीक है, अच्छे से टाइट करने के बाद फिर नीचे के बटनों में सेम वैसे ही करें जैसे पहले किया था ना, वैसे ही सेम वैसे ही काट के वायर ले लें। ये देखिए, इतना सा साइज लेकर आपको कट कर लेना चाहिए अच्छे से, और वायर कट नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से कट करें और अच्छे से फोल्ड करें। ठीक है, अगर वायर कट हो जाएगा तो बारीक तार आप लगाओगे तो, अगर कुछ भी ज़्यादा लोड डालेंगे तो जल जाएगा। ठीक है, वायर अच्छा थोड़ा सा मोटा रहे बस, कट करके अच्छे से उसको फोल्ड करके फिर यहाँ पर नीचे जैसे सेम ऊपर लगा था ना, वैसे ही नीचे बटनों में लगाना चाहिए। ठीक है, फिर अब उसको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन कैसे देना वो भी आपको मैं बताऊँगा कि नीचे करंट कैसे आएगा। ठीक है, वायर ले अच्छे से, स्क्रू अच्छे से टाइट करें। ठीक है, यूज़ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वायर ले, वायर लेके काट कर दें उसको, कट करके दोनों तरफ से छील लेना चाहिए। ठीक है, उधर से भी दोनों तरफ से छील लेना चाहिए। छील लेने के बाद अच्छे से उसको मोड़ कर आप बटन के नीचे में जो मैंने तार लगाई थी ना वहाँ पर उसको लगा देना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे लगाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर लगा कर अच्छे से टाइट कर देना चाहिए, और एक बार कहाँ पर लगाना मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये और एक बार जो है ना, वहाँ पहले जो मैंने तार लगाई थी नीचे बटनों में वहाँ पर लगाना देना चाहिए, एकदम उसको भी अच्छे से टाइट कर लेना चाहिए। फिर लूज रखा, फिर नीचे के लाइनों में जो नीचे के बटन में लगाया ना, फिर वहाँ पर करंट सही नहीं पहुँचेगा। ठीक है, अच्छे से टाइट कर लें, इधर से भी अच्छे से टाइट कर लें। ठीक है, अब ये फैन का मैं बता रहा हूँ कि कनेक्शन कैसे देना चाहिए। इसको छील लें, जो वहाँ पर बाजू में बटन है ऊपर जो खाली है ना स्क्रू उसका, उसमें लगा दें। बताता हूँ आपको, देखो कैसे लगाना है। ठीक है, यहाँ पर उसको अच्छे से लगाकर टाइट कर लें, इसको भी अच्छे से टाइट करना चाहिए। फिर लूज लगा तो फैन चालू नहीं जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, ये पर और एक वायर है ना, उसको फैन का जो आता है ना वायर, वहाँ पर टच करना चाहिए। ठीक है, और ये सॉकेट का कनेक्शन कैसे देना बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर खोल लें, एन बोलकर जो आता है वो नोटल होता है, जो मैंने जो बताया वो लाइन है, वो लाइन फेस है, फेस में लगाना चाहिए। ठीक है, एल बोलकर लिखे हुआ होता है उधर पे, ठीक है, एल में लगाता हूँ। ठीक है, उधर भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन अच्छा रहेगा इधर लगाएंगे तो। ठीक है, अभी मैं लगा कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लगा देना चाहिए, इसको भी अच्छे से स्क्रू को टाइट करना चाहिए। ठीक है, फिर सॉकेट चालू नहीं होगी, फिर आप परेशान आ जाओगे कि कनेक्शन कैसे दिए। ठीक है, इसको भी अच्छे से फोल्ड करके फिर उसको जो मैंने तार डाली थी ना ऊपर स्क्रू में, इसको लगा दें। ये देखिए, यहाँ पर स्क्रू में उसको लगा दें, इसको भी अच्छे से टाइट कर लेना चाहिए। ठीक है, और आपको बताऊँगा फिर वायरिंग इसकी कैसे करना चाहिए। ठीक है, देखिए अच्छे से टाइट कर लें। टाइट करने के बाद ये नोटल है, ठीक है, ब्लैक कलर का, उसको वहाँ पर लगा देना चाहिए। बताता हूँ कि इसको कैसे लगाना चाहिए।
उसके बच्चे सील के, देखो यहाँ पर नोटल एन बोल कर लिखा हुआ था, वहाँ पर लगा देना चाहिए। ठीक है, लगा देने के बाद ठीक है ये हो जाएगा आपका बोर्ड कंप्लीट। फिर उसके बाद आप जो मैंने नीचे की जो तार लगाई थी ना वो वहाँ पर आप मेन लगा दें, ख़त्म, बोर्ड हो गया कंप्लीट अपना। ठीक है, चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़। ये हो गया आपका बोर्ड कंप्लीट, अच्छे से वायरिंग करना चाहिए। ठीक है, खुदा हाफिज़।